क्लास सेवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेवन, और चैप्टर सेवन जो है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सिविक्स का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम जिला जो प्रशासनिक जो प्रबंधन है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो जिला स्तर पर जो प्रशासन संबंधी जो प्रबंधन है, ठीक है, वो किस प्रकार का है हम वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी जिले में जो प्रशासन है, ठीक है, उसके कुछ क्या होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ प्रशासनिक कार्य हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अर्थात कानून व्यवस्था को कायम रखना कि कहीं पर क्राइम ना हो। ठीक है, यदि क्राइम हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करें, ये सबसे बड़ा कार्य है। फिर उसके बाद में टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, प्रॉपर्टीज, बर्थ, डेथ्स, एजुकेशन, सो ऑन। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमीन संबंधी रिकॉर्ड रखना, व्यक्ति की प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा रखना, जन्म और मृत्यु, ठीक है, उसका रिकॉर्ड करना, उसका रिकॉर्ड रखना, और साथ ही साथ में शिक्षा से संबंधी जो भी रिकॉर्ड है उसका, उसको भी रखना, किसका कार्य है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर इसके बाद में टू प्रोवाइड एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ सिविक एमिनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थात कि जो जिला स्तर पर जो प्रशासन है उसका प्रमुख कार्य क्या है, लोगों तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, ठीक है, एजुकेशन जो है, ठीक है, घर घर तक एजुकेशन, अर्थात लोगों को शिक्षित करना या शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, ठीक है, और स्कूल की जो व्यवस्था है उसे भी समय समय पर देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल खुल गया है, ठीक है, और वहां पे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फिर साथ ही साथ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपकी रोड है, ठीक है, कोई स्कूल है या फिर कोई आपका डैम बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी यहां पर जो बनाने का कार्य है, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, कि जब कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इस प्रकार की कोई सी भी जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस प्राकृतिक आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला स्तर के जो प्रशासनिक, ठीक है, जो ऑफिसर है वो करते हैं। फिर इसके बाद में आता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया जाता है कि आपका टैक्स क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग क्या है, विभाग होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, द पुलिस। तो पुलिस का कार्य क्या है कि ये अपने शहर में, ठीक है, अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगी, मेंटेन करेगी, अर्थात कानून व्यवस्था का क्या करेगी, ध्यान रखेगी, अर्थात उसका प्रबंध करेगी। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन जो करेगा वो कौन करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम बोलते हैं SP। ठीक है, परंतु
इससे पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक होता है जिसे हम बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है, या हम जिसे डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है। तो कहने का मतलब और उसे हम डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो जो हेड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इस कलेक्टर के अंडर कौन कौन से कार्य होते हैं, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो मेंटेन लॉ और ऑर्डर क्या जो देखभाल करते हैं, ठीक है, जो प्रबंधन करते हैं, ठीक है, वो किसके अंडर में होगा, यहां पर एसपी के अंडर में। तो एसपी कौन होता है, हेड होता है, ठीक है। फिर देखो यहां पर द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने वाला जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसपी अर्थात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और फिर ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो जिला होता है, वो कई सब डिवीजन में बटा हुआ होता है, पांच या फिर छह भागों में ये बटा हुआ होता है, ठीक है। वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, डीएसपी करता है, ठीक है। फिर आपके गांवों में या फिर कस्बों में क्या होती है, पुलिस सर्कल अर्थात छोटी छोटी क्या होती है, चौकियां होती है, ठीक है। उस चौकी में आपके इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, और 10 चौकी को मिलाकर एक क्या होता है, थाना होता है, ठीक है। और इस थाने का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो बात समझ में आई कि जो पुलिस चौकी होती है वो क्या होती है, दूर दराज क्षेत्रों में होती है जहां पर थाना नहीं होता है, ठीक है। और पुलिस चौकी ऐसे स्थानों पर दूर दराज क्षेत्रों में इसलिए होती है ताकि कोई भी क्राइम हो, ठीक है, तो तुरंत प्रभाव से वहां पर पुलिस पहुंच जाए और उस क्राइम को रोक ले, ठीक है। और छोटी छोटी चौकियों को मिलाकर क्या बनता है, थाना बनता है। और उस थाने का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं SHO अर्थात स्टेशन हाउस ऑफिसर। बात सुन में, फिर इसके बाद में बात आती है जेल की, ठीक है। तो पुलिस के साथ जो कार्य करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेलर। तो प्रत्येक जिले में क्या होती है, एक जेल होती है और उस जेल का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेलर बोलते हैं, ठीक है। कि जो भी क्राइम करेगा उसे पुलिस पकड़ के लेके आएगी और कोर्ट क्या करेगा, उसे जेल भेजेगी, और जेलर क्या करेगा, उसे जेल में रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका फर्स्ट हेडिंग हो गई है। यहां पर कौन सी, यहां पर देखो हमने बात करी थी यहां पर कलेक्टर। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। और कलेक्टर का जो कार्य है वो तीन होता है, ठीक है, एक तो मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कि कानून व्यवस्था को देखना, ठीक है, आपके जमीन संबंधी, ठीक है, रिकॉर्ड को रखना, और फिर सिविल एमिनिटीज, ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल बनाना, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इन सब का ध्यान में रखना। अब देखो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहला ऊपर कौन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी। तो जो एसपी होता है वो कौन होता है, हेड होता है, किसका,
लॉ एंड मेंटेन का, ठीक है। तो कानून व्यवस्था की जो देखरेख करता है उसका जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो छोटे छोटे डिविजन्स में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। फिर इसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल्स। ये सब किसके अंडर कार्य करते हैं, एसपी के अंडर कार्य करते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर देखो जेलर और डिप्टी जेलर। तो जेल में कौन रहेगा, जेलर। तो जेल का हेड कौन होता है, जेलर, ठीक है। जो भी क्राइम करता है वो कहां जाता है, जेल में जाता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड लाइसेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।